हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली में, साउथ दिल्ली। और यहां से हम जाएंगे RRTS सराय काले खां की तरफ। ये जो रोड है इसे कहा जाता है बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु, जो कि अराउंड 5 किलोमीटर का है और पहले से बारापुल्ला फ्लाईओवर भी कहा जाता था। दिल्ली का एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड है ये। ये रोड बहुत नजदीक है एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, सरोजनी नगर, रिंग रोड के पास। और ये बहुत जल्दी आपको, क्योंकि ये एलिवेटेड बनाया गया है और इसमें कोई भी ट्रैफिक की रेड लाइट नहीं है, तो बहुत ही जल्दी आपको दिल्ली के मिडिल से दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे पहुंचा देती है। सामने जो आपके व्हाइट कलर की रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ब्रिज है रोड को पार करने के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे बनाया गया था। लेफ्ट में अगर आपको एक व्हाइट कलर में राउंड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम, जो कि लोधी कॉलोनी में आता है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो रोड है ये दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर आपको जोड़ देती है। 5 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है ये आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से। RRTS जो रैपिड मेट्रो है जो मेरठ जा रही है उससे कनेक्ट कर देता है। साथ में निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उससे कनेक्ट कर देता है। सराय काले खां जो बस टर्मिनल है दिल्ली के अंदर उससे कनेक्ट कर देता है, वो भी लगभग 10 मिनट के डिस्टेंस पर, साउथ दिल्ली INA से। INA ये लेफ्ट में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है CGO कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है। गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं यहाँ पर और काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ अगर फ्लाईओवर से आप नीचे चले जाते हैं तो राइट अगर जाते हैं तो लाजपत नगर की तरफ भी चले जाते हैं। हम सीधे जा रहे हैं सराय काले खां की तरफ। ये जो रोड है इसको बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन किया गया है। आप देखें तो रोड की जो बनावट है, कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप इस पर ड्राइविंग करते हैं तो आपको यकीनन बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। ट्रैफिक भी बहुत कम है और बहुत ही जल्दी आप दिल्ली की जो एक ट्रैफिक भरी जो रोड्स होती हैं उनसे बचकर निकल जाते हैं। यहाँ लेफ्ट में अगर आप गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो अंदर एक छोटी सी जगह दी गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप गाड़ी रोक सकते हैं या पार्क कर सकते हैं अगर आपको कॉलिंग या कोई और काम हो। सो अब हम ऑलमोस्ट रोड के एंड में आ चुके हैं। 5 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस था इस रोड का वो हमने ऑलमोस्ट पार कर लिया है। और यहाँ से ये रोड है जो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक ये जो रोड है सीधा चली जाती है और लेफ्ट की तरफ भी चली जाती है। अगर आप सीधा जाते हैं तो नोएडा की तरफ चले जाते हैं, हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि लेफ्ट की तरफ है सराय काले खां और RRTS भी यहीं पर है। इनफैक्ट आपको यहीं से जो ये पिलर्स हैं नज़र आने लग जाएंगे। ये जो पिलर्स हैं ये RRTS के ही हैं और इनकी जो कंस्ट्रक्शन है फुल स्विंग पर है। और यहाँ से लेफ्ट जाने पर हम सराय काले खां पहुँच जाते हैं, जहाँ से ये मेट्रो जो है वो स्टार्ट होगी RRTS मेरठ की। अभी ये ट्रैक जो है यहाँ से ऑपरेशनल नहीं होगा, अभी साहिबाबाद से ऑपरेशनल होगा। 2025 में अनुमान है कि दिल्ली से मेरठ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा RRTS के थ्रू।
ये जो जगह है सराय काले खां, ये आने वाले फ्यूचर में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी के एक डेस्टिनेशन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं तीन ऐसी इम्पॉर्टेंट जंक्शन होने वाले हैं। पहला यहाँ पे बस टर्मिनल आने वाला है, अंतर्राज्य बस टर्मिनल, जहाँ पर से आपको बसेस मिल जाएंगी दिल्ली से किसी भी राज्य के लिए। दूसरा यहाँ पे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा ये जैसे मैंने आपको दिखाया RRTS का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दिल्ली के अंदर, वो यहीं से होने वाला है। चौथा यहाँ से दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे भी है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक जगह होने वाली है, अभी भी है बट फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ नीचे से मेट्रो भी जाती है, पिंक लाइन, जो कि आपको निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है उस पर उतारती है। ये सामने अगर आप देखें तो स्टेशन जो है वो यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पे जस्ट इस RRTS के स्टेशन पर ख़त्म होने पर सामने से शुरू हो जाता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इस रोड पर लेफ्ट में तो काम चल ही रहा है RRTS का, राइट में भी ये जो फ्लाईओवर है वन साइडेड है, अभी टू साइडेड किया जा रहा है, तो उसका काम भी चल रहा है। नाउ हम ऑलमोस्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। अगर आप सीधा चले जाएंगे इस रोड पर तो ITO और राजघाट पहुँच जाएंगे। राइट मुड़ते के साथ ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जो रास्ता है वो शुरू हो जाता है। 14 लेन का एक्सप्रेसवे है यहाँ से जैसे हम राइट मुड़ेंगे। राइट में जो आप ट्रैफिक आता हुआ देख रहे हैं वही है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। यहाँ से राइट मुड़ते के साथ हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।